भगवान, एक तो ये आग नहीं जल रही और ऊपर से मेरे पति देव जो उठने का नाम भी नहीं ले रहे। इन्हें तो मैं बताती हूँ। और मेरी सासू के उठ ले। के बात है मेरी सासू की, क्यों परेशान कर रही है, सोने दे चैन से मुझे। खेत में जाके गेहूं भी जाला, राम सिंह भी ट्रैक्टर लाके कब से खेत में वेट कर रहा है आपका। अरे मैं नहीं जाता खेत, तू चली जा बिजवाने। अरे मैं तो सोऊंगा चैन से, बोल क्या कर लेगी। खड़ा हो जा वरना डंडा उठाकर लेकर आऊं। अरे ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, तेरे तो हाव भाव बदल गए। हाव भाव बदल गए मतलब? मतलब शादी से पहले तो तू बड़ी शरीफ बनती थी, अब तेरे हाव भाव तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। कैसे? शादी के बाद औरत पति को दूध दे, चाय दे, रजाई दे, पता नहीं क्या क्या दे। अच्छा तो बताओ ना और क्या क्या दे। चैन से सोने दे। जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे नहीं जाऊंगा, तू करा ले तेरी ऐसी की तैसी। नहीं जाएगा, मैं देखती हूँ कि कैसे नहीं जाता। जाएगा। अरे कमीनी, अपने पति को कोई ऐसे मारता है क्या? जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और खाने वाला ही भाग गया। ले रोटी डाल दे मेरे को। रोटी डाल दे, ये मैं अपने लिए गूंदूंगी आटा, तेरे लिए नहीं, समझ गया? क्या तूने मेरे लिए रोटी नहीं बनाई? नहीं, ये रोटी मेरे लिए बनेगी, बाहर जाके खा लो। खेत में नहीं जाऊंगा। अच्छा पक्की बात है? एकदम पक्की, समझ गए? सच्ची में आज मेरे को रोटी नहीं मिलेगी? अरे नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। मेरी सासू की, ले तू भी फिर खा ले गुलगुले। तेरी तो। अरे 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 कोई देख लेगा, क्यों मार रही है? अरे लोगों को भी पता चले ना मेरे पति की करतूते। अरे छोड़ दे मेरी कॉलर, नहीं तो फट जाएगी मेरी शर्ट। अरे भाग जा, कहां तक भागेगा? शाम को तो घर पे ही आएगा ना, तब निपटूंगी तुझसे। अरे तेरी मार खाने से तो अच्छा है मैं होटल की रोटी खा लूंगा। पागल ने आटे में ज्यादा पानी डाल दिया, अब और आटा डालना पड़ेगा। हेलो, हाँ भाई आऊँ, कोई बात ना। अरे भाई टक्कर क्यों मार रहे हो? अरे टक्कर नहीं भाई, मैं तो वो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, वर्जिश कर रहा था मैं तो। अच्छा वर्जिश कर रहे हो? हाँ यार पहलवान ऐसे कर यार, तेरे घर से कसी दे दे, मैंने पानी लगाने जाना है यार। तो तेरी भाभी है ना घर पे, जा ले आ। अच्छा भाभी जो तुझे पीट रही थी? अरे यार तूने कब देख लिया? अरे जब भाभी तेरे को पीट रही थी मैं पेड़ के पीछे से देख रहा था। अरे 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 भाई साहब, अरे बात क्या हुई बता, क्या बात हो गई? अरे तेरी भाभी ने पीट पीट के मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स हिला दिए। अरे परेशान ना हो, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, मैं समझा दूंगा उसको। भाई तू समझा देगा ना? हाँ मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं चल मेरे साथ। ना भाई मैं नहीं जाऊंगा घर पे, अरे वो पीट पीट के मेरे बॉडी के पार्ट्स फिर से हिला देगी। अरे मैं समझा दूंगा चल मेरे साथ, डरने की क्या बात है यार, तू समझा देगा ना? समझा दूंगा मैं, पक्का ना? पक्की बात है, तो फिर चला। चल आ जा। आजा मेरे बड़े भाई आजा।
अरे गुलाबो, अब हाथ लगा के दिखा मेरे बड़े भाई के सामने। अरे रुक जा, मैं समझाता हूँ भाभी जी को। हाँ हाँ, आए इसका बॉडीगार्ड बनकर मैं ए, परो! अरे रुको 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 भाभी जी रुको। अरे मेरे को यहाँ पिटवाने के लिए लाया था क्या? अरे तू ही तो आया था चोरी छाती करके, देखते हैं भाभी जी को। तू हमारे घर आई क्यों? अरे भाभी जी, आना तो दूर, मैं तो देखूंगा ही नहीं आपके घर की तरफ। तुझे देखने का मौका ही नहीं दूंगी मैं। ए, पारो! अरे भाई, ऐसी औरत को तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़िया। तू? ए पारो, पराए मर्द को पीट रही है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? आया था बड़ा बॉडीगार्ड बनके, कई दिनों बाद मौका मिला हाथ की खाज मिटाने का। अरे अरे पारो, माफ कर दे, मुझे बहुत सबक मिल गया। अच्छा, क्या सबक मिल गया? यही कि कभी शादी नहीं करनी चाहिए। अरे मेरा मतवल, तेरे जैसी लड़की से शादी नहीं कर। अरे मेरा मतलब, पत्नी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, उसका हर कहना मानना चाहिए। अब आई ना बात समझ में? अब एक काम कर, कश्ती उठा और खेत में जा। भाइयों, अब तो खेत जाना ही पड़ेगा, गृह मंत्री का ऑर्डर है।